जब सबकॉन्शियस माइंड के पास ये मैसेज जाता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, तब वो सबकॉन्शियस माइंड केमिकल रिलीज करता है स्वस्थ करने के लिए। ओके, मतलब इसके पीछे भी साइंस है। साइंस है, पूरा साइंस है, पूरा 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 साइंस है। वरदान रेकी में यूनिवर्स से कुछ सिंबल्स मिलते हैं, यूनिवर्स से कुछ इसका कनेक्शन है। हर सिंबल का यूनिवर्स से कनेक्शन, पहली बार कोई भी सिंबल आप ले लीजिए, आए ये यूनिवर्स से हैं। ओके, अलग अलग व्यक्तियों को प्राप्त हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ बांटा। दीदी, कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा है आपके इतनी 30 साल के जर्नी में, जब सब हार गए हों और आपको लगा हो कि ये तो मतलब एक चमत्कार ही हो सकता है और चमत्कार हुआ हो? एक नहीं, बहुत केसेस है। अच्छा, अभी रिसेंटली हमारे पास एक 15 साल का लड़का आया था, उसे क्या बीमारी वो डायग्नोज नहीं हो रहा था। बहुत रिपोर्ट्स के बाद डायग्नोज हुआ, नसें सूख रही है, हड्डियाँ सिकुड़ रही है और उसका इलाज नहीं है। ऐसा है ना, उसकी माँ हमारे पास आई थी मिलने के लिए और रोज नई रिपोर्ट्स निकालना, रोज फिर रिसर्च करना, फिर देखना, ऐसा चल रहा था। तो हमारा ना सेंटर बना हुआ है एक, है ना, वहाँ लगभग 11 से 1 के ड्यूरेशन में ना 50-40 महिलाएं आती हैं, हीलर हीलर। अच्छा, तो हमने क्या, चलो अभी ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग जिनको असाध्य रोग है, डायग्नोज नहीं हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे चुका है, ऐसे लोगों का बीड़ा उठाते हैं कि उनमें परिवर्तन होगा तो हमें रिजल्ट का फर्क पता चलेगा। बिल्कुल। उसको लगभग 1 महीने हीलिंग दी गई, उसे बुलवाया गया, उसे बीच में सुलाते थे, चारों तरफ महिलाएं जो हीलर बैठती थी टच एंड हील करते थे उनको। इतनी सारी महिलाएं, वो हमारा तो हीलिंग सेंटर ही है ना, वो उसके मतलब चार एक व्यक्ति एक जन के लिए? कर सकता है, एक जन सफिशिएंट है। ओके, पर उसको जैसे ठीक नहीं था, डॉक्टर जवाब दे चुका था, क्योंकि बीमारी ही नहीं समझ में आ रही है ना, वो बच्चा खा नहीं पा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ऐसा सो नहीं पा रहा है, इरिटेशन में चिड़चिड़ कर रहा है, तो उसको सामूहिक हीलिंग दी गई। एक 1.5 महीना, 1.25 महीना दी गई, सारी रिपोर्ट बदल गई, सारी रिपोर्ट, सब एकदम नॉर्मल, कॉलेज जाना क्या और क्या। बहुत केसेस ऐसे कितने बताएंगे, मतलब कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें हम लोगों ने मिलकर हीलिंग दी और रिजल्ट नहीं आया। मैम, ये हमने शारीरिक परेशानियों की बात करी, मेंटल लेवल पर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा शरीर को भी बर्बाद करने लगती हैं, पहले तो यहाँ से दिक्कत होगी, उसके बाद फिर आपका शरीर भी बर्बाद हो जाएगा, क्या मेंटल लेवल पर भी हेल्प करती है रेकी? ऑफकोर्स, कई डिप्रेशन पेशेंट्स आते हैं, उनको हीलिंग तो करते ही करते हैं, उनको हीलिंग सिखाते भी हैं कि आपको अपने आप को कैसे हील करना है। और हम लोग ना सर्टन एफर्मेशंस देते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने कहा मानसिक रोगी आया है ना, मैं तन और मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ये आपको बारंबार बोलते जाना, नारायण आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं तन और मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। रात को सोते टाइम बोलना है उसको, बताते हैं कितनी बार बोलना है, 50 बार 60 बार, जब तक नींद आती है। तो क्या, जब बारंबार वो रिपीटेटिव बोलता है, हीलिंग करता है, साथ में जो मंत्र सिखाते हैं उसकी अभी मंत्र जल लेता है, तो सबकॉन्शियस लेवल में वो मैसेज चला जाता है। जब सबकॉन्शियस माइंड के पास ये मैसेज जाता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, तब वो सबकॉन्शियस माइंड केमिकल रिलीज करता है स्वस्थ करने के लिए। ओके, मतलब इसके पीछे भी साइंस है। साइंस है, पूरा साइंस है, पूरा 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 साइंस है। और जो दीदी, जो ये क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ड्यूअल पर्सनालिटी हो गई या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, क्या इनमें भी मदद करती है? क्योंकि ये थोड़ी सी, हाँ, अलग तरह की है। हाँ, देखो, हम लोग इसमें उनसे कहते हैं कि आप दवाई भी साथ में ले लीजिए,
और दवाई भी असर करने में, जैसे आपने जो बीमारियां बोली इसमें टाइम लगाती है हील होने में, बिल्कुल है ना, 6-6 महीना 12 महीना लगता है ऐसी दवाइयां लेने के बाद। पर जब यदि आप रेकी हीलिंग नियमित ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, है ना, उसमें छोड़ना नहीं, 2 दिन लिया 4 दिन छोड़ा, गैप मत दीजिए, तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दीदी ये तो हमने अभी टच थेरेपी पे बात करी, अब थोड़ी सी बात करते हैं टेलीपैथी जिसको बोलेंगे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपने वहाँ किसी को हील कर दिया, वो क्या, वो किस तरीके से काम करती है? देखो इसे टेलीपैथी नहीं, इसको हम लोग डिस्टेंट हीलिंग बोलते हैं, है ना, दूसरे दूरस्थ बैठे व्यक्ति को, समझो कोई परिचित हमारा दूसरे देश में, दूसरे शहर में है, जहाँ पर भी है, हमें पता चलता है कि वो अस्वस्थ है, तो हमारे पास 2-3 माध्यम होते हैं, या तो उसका फोटो हमने हाथ में लिया, अच्छा। फोटो नहीं तो नाम लिख लिया एक चिट पर, हाथ में ले लिया, यहीं से एनर्जी फ्लो होती है ना, उसके नाम से कर दी, फोटो भी नहीं है, नाम लिखने की भी समझो सुविधा नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो जैसे कल मैं बनारस से यहाँ पर फ्लाइट से आई, लगभग वो ऊपर ही ऊपर घूम रही थी फ्लाइट को, टाइम लगा थोड़ा सा, तो हम लोग ऊपर हीलिंग चल रही थी हमारी बैठे बैठे, हाँ, तो वहाँ से भी बैठे, कहीं भी हो आप, खाली मन में धारणा करनी है आपको कि जो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ संबंधित व्यक्ति के लिए कर रही हूँ और इस पर्पस से कर रही हूँ, ये सब बोलना होगा, ये सब आपको खाली सोचना है, अपने आप को ही बोलना है ना, है तो कोई भी नहीं ना नज़दीक, तो बराबर है, फिर आपके मंत्र जाप शुरू हो जाते हैं मन ही मन, और सिंपल सिंपल मंत्र जाप है, राम राम का जाप करते हैं और वहाँ तक ऊर्जा पहुँचती है, उससे अच्छा अच्छा महसूस होने लगता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, रेकी में चक्रों का, जो शरीर में चक्र होते हैं, उनका क्या रोल है? चक्रों के माध्यम से ही ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, ऊर्जा के प्रवेश द्वारा चक्र में, हमारे शरीर में 7 विशेष मेन चक्र हैं, तो 6 चक्रों पर, क्योंकि क्राउन चक्र को तो हम लोग टच नहीं करते हैं, ओपन ही रहता है ये, ब्रह्मांड से लेता रहता है, बाकी जो शरीर में 6 चक्र हैं मेन जो, इनको टच करके जब हम लोग हील करते हैं, आप चक्रों के अलावा शरीर पे कहीं हाथ रखेंगे तो हीलिंग होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा वहाँ से चक्र में जाएगी, फिर संबंधित अंग तक जाएगी, और यदि आपने चक्रों पर ही हाथ रख के हील करके दिया है, करा है, तो डायरेक्ट यहाँ से बॉडी में प्रवेश कर जाती है, ऐसा रिसीविंग मोड पे रहते हैं चक्र, और जो यूनिवर्स से एनर्जी आती है वो हम क्राउन चक्र से लेते हैं, क्राउन चक्र हमारा ओपन ही रहता है सबका सबका सबका, वो तो एनर्जी लेता है तो उसको कवर करने मना करते हैं, ओके, इसको खुला रहने दो, ये एनर्जी लेता रहता है, कि जो थर्ड आई चक्र है, थ्रोट है, हार्ट है, सुलार है, हारा है, रूट है, इनको टच करके हम लोग हीलिंग देते हैं। दीदी एक मन में सवाल आया, जैसा आपने बोला कि यहाँ से हम, ये हम सबका खुला रहता है और यहाँ से हम कंटिन्यूअसली यूनिवर्स से एनर्जी लेते रहते हैं, फिर जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उसमें कवर करना सर को क्यों कहा गया, स्पेशली महिलाओं के लिए? देखो सिर कवर करने वाली बात नहीं थी वो, अच्छा, वो था पूरा फेस कवर करना, ओके, कि महिलाओं को एक्सपोज नहीं होना है, किसी के सामने नहीं आना है। नहीं, मैं बात करूँ जैसे आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गए या मंदिर गए, हाँ, तो आप कभी भी संकल्प भी लेते हो किसी पूजा का, तो आप महिलाएं अपना सर कवर करती हैं, आदमी भी सर के ऊपर वो रखते हैं, वो फिर ऐसा क्यों, क्या उसका भी कुछ इससे रिलेशन है? देखो वो किस लिए करते हैं वो नहीं, जो सिस्टम हम समझ रहे हैं वो ये है कि पहले घूंघट की व्यवस्था थी, चेहरा महिलाओं का कवर रखते थे कि पुरुषों के संपर्क में नहीं आना है, दिखनी नहीं चाहिए, है ना, फिर उठ उठ के धीरे सरकता चला गया, अच्छा, ऊंचा होता चला गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब तो नीचे ही आ गया, है ना, वो तरीका वो था इसका, अच्छा। तो शुरू से सब लोगों ने सिर पे कवर रखा था, मुंह चेहरा ढक रखा था, तो अब ये है कि भाई फेस तो कोई ढकता नहीं है, कम से कम सिर पे तो कपड़ा रख लो। दीदी वरदान की रेकी के बारे में जो मैंने पढ़ा उसमें जो मुझे मोटा मोटा समझ आया, बाकी तो आप समझा दीजिएगा, कि वरदान रेकी में यूनिवर्स से कुछ सिंबल्स मिलते हैं, यूनिवर्स से कुछ इसका कनेक्शन है? हर सिंबल का यूनिवर्स से कनेक्शन है, पहली बात, कोई भी सिंबल आप ले लीजिए, आई यूनिवर्स से है, ओके,
अलग अलग व्यक्तियों को प्राप्त हुए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ बांटा। अच्छा, हाँ बराबर है। करुणा रेखी सत्य साई बाबा को प्राप्त हुए उसके सिंबल्स। अच्छा, नारायण रेखी के जो सिंबल्स है वो डॉक्टर मिक्का उसुई को उनकी साधना के दौरान मिले, फिर उन्होंने जन तक जन जन तक उनके लाभ के लिए पहुँचाया। मुझे अपनी साधनाओं में जो वरदान रेखी में जो सिंबल्स है ना वो मुझे अपनी साधनाओं में मिले। हाँ, कि आज देखो मैंने बताया ना 30 साल इस क्षेत्र में हो गया, खाना पीना सोना सब कुछ रेखी हो गया। मतलब ऐसा कोई पल नहीं जाता है, मुझे लगता है कि रेखी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रेखी के दीदी क्या नियम हैं? और जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब आप जल भी अलग ग्रहण कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके लेवल के साधकों के लिए है, या अगर मैं रेखी मान लीजिए शुरू करूँ तो मुझे भी ऐसे सात्विकता रखनी है, भोजन में भी सात्विकता रखनी है, बाकी अपने रोज के डेली डे टू डे रूटीन में भी रखनी है, क्या कुछ ऐसे नियम हैं? देखो नियम कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, आप जो खा रहे हैं खा सकते हैं, है ना। अपने आप आपको मन नहीं करेगा। अच्छा, आप छोड़ेंगे, हम अगर हम आपसे कहते हैं कि आप प्याज लहसुन छोड़ के हमारे पास आइए करने के लिए, भाई सर्टन लोग तो उसके बिना खाना नहीं खा सकते हैं। राइट, और भी नॉन वेज है जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल। पर जब आप ये विद्या का प्रयोग करते हैं धीरे धीरे खुद के आपके मन में नहीं आएगा खाना नहीं है, अपने आप ही छूटेगा। आपको उसके लिए एफर्ट कुछ नहीं डालना, आपको बस सीखना और करना है। ऐसा दीदी रेखी को लेकर क्या कुछ मिसकंसेप्शन भी फैले हुए हैं समाज में? है। जिनको इस विद्या के बारे में नहीं पता है, ब्लैक मैजिक है ऐसा बोलते हैं, या समझो हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं, है ना, तो उनका ये रहता है कि आप उनको हील कर रहे हो। समझो सामने वाले के बैक में पेन है, हमने हीलिंग दी तो उनकी तो बीमारी ठीक हो जाएगी और हमारे में आ जाएगी। ये गलत फहमी है। इसका कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, क्योंकि आप इससे किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। सपोज मेरे मन में किसी के प्रति नकारात्मक भाव आए कि मुझे तो रेकी आती है, मैं इसका गलत कर दूं, ये आगे नहीं जानी चाहिए, बराबर। इस थॉट के साथ मैंने, एक तो पहली बात तो मुझसे होगा नहीं है, होगा ही नहीं, है ना, और फिर भी समझो संस्कार, नकारात्मक संस्कार दबे हुए वो ऊपर आ रहे हैं और फिर वो भाव आ रहा है उनके प्रति कि करो, तो समझो मैं उस भाव के साथ उनको करूँगी तो उन तक तो सिक्योरिटी चल पहुँच जाएगी, बल्कि उसको ये ऊर्जा कुछ नहीं करेगी, इट विल इफेक्ट टू मी ओनली, ऐसा। बल्कि उसकी जो तकलीफें हैं तब हम लोग अगर निगेटिव में उसके बारे में सोच के प्रार्थना कर रही हूँ तो उसकी निगेटिविटी जाने की, उसकी तो निकल जाएगी, मैं कर किस ले रही हूँ उसके बुरे के लिए, पर होगा क्या, उसकी तो बुराई निकल के मेरे पास आएगी और अच्छे कर्म उसके खाते में वो हील हो जाएगी, ऐसे है। तो इसमें आप किसी का तो कर ही नहीं सकते ना, जिसका बुरा सोचोगे वो आपका होने वाला है, हाँ उनका नहीं होने वाला, हाँ अपना ही होगा उसका नहीं होगा। दीदी एक और सवाल जो कि मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब चाहते हैं, तो उसमें रेकी कैसे मदद करती है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे भी ये कन्फ्यूजन था कि रेकी हीलिंग के लिए है, तो फाइनेंशियल ग्रोथ में कैसे मदद करती है? देखो इसमें हम लोग ना क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं आपको। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बोलते हैं, हे नारायण आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं, बराबर। ये एफर्मेशन हुआ। इसके बाद हमारे मंत्र जाप और सिंबल चलते हैं, हम ब्रह्मांड में मैसेज भेजते हैं, राइट, एक तो ये, और इसके साथ साथ पैसे की कमी क्यों है उस व्यक्ति का स्वभाव व्यवहार पर वाणी पर निर्भर करता है, उसकी वाणी को उसके स्वभाव व्यवहार को हम संवारते हैं कि तुम यहाँ पर एक चीज़ कर रहे हो इसकी वजह से आती आती लक्ष्मी रुक जाती है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ सुधारनी है। आपने ऐसे केसेस देखे हैं अपनी जर्नी में जहाँ पर आपने देखा है कि हाँ मतलब बिल्कुल ही
फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन है, बंदा बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लगन से मेहनत कर रहा है, नौकरी अच्छी कर रहा है, लेकिन ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना इसको नई नौकरी मिल रही है, ऐसे कुछ केसेस देखे हैं और फिर रेकी के बाद बदलाव हुआ। हाँ। अभी जैसे एक एग्जांपल आपको देंगे, वाइफ हमारे से जुड़ी हुई है, वो सब चीज़ों को मानती है, कैसे व्यवहार करना है, जैसे हम लोग शब्दों पर मैंने बताया हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, सही उचित शब्द इस्तेमाल करते हैं, विनम्रता होनी चाहिए शब्दों के भीतर भी झलकनी चाहिए ऐसा। हस्बैंड का स्वभाव तीखा तेज क्रोध वाला है ना, तो जैसे पेमेंट आते आते रुक जाता है, माल चला जाता है, हस्बैंड का सामान तो चला जाता है, पेमेंट सामने वाला व्यापारी अभी देता हूँ अभी देता हूँ, आता नहीं है, ऐसा चल रहा था। और इसकी पत्नी निरंतर प्रार्थना करती जा रही थी कि भाई पेमेंट आ जाए, मुझसे भी पूछा क्या कारण है इतना सब करने के बाद क्यों नहीं आ रहा है ऐसे पेमेंट, तो हस्बैंड को लेकर आई वो, जब एक बड़ा अमाउंट रुक गया उनका, हस्बैंड आने राजी नहीं थे। अच्छा। हाँ, फिर बोले एक बार देख तो लीजिए आपका पेमेंट आ जाएगा। तो जब उनसे बातचीत करी है ना, वाइफ प्रार्थना ये कर रही है ना, प्रार्थना मैं अलग से क्या करूँगा ऐसा उनका ये था, मैंने कहा प्रार्थना मत कीजिए भाई, ये कर रही है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, पर आपकी वाणी जो तेज चल रही है ना, बारंबार उनका ये कहना सामने वाली पार्टी गलत है, यूँ है, नीयत ठीक नहीं है, अभी जैसे अभी मंडे का मिट किया है, देने वाला थोड़ी ना खाली बोल रहा है, मैंने कहा अब ये जो आप भेज रहे हो उसके पास है ना नेगेटिव एनर्जी, उससे आपका धन रुका हुआ है, आप उसके पास अच्छे वाइब्रेशन भेजें कि उसकी नियत ठीक है, उसने मंडे बोला तो डेफिनेटली मंडे मेरा पेमेंट दे देगा, वो ईमानदार है, वफादार व्यक्ति है, उसके लिए अच्छे एफर्मेशन भेजिए है ना, हफ्ते भर में पेमेंट आ गया। हाँ, तब उनको समझ में आया कि वाणी का कितना महत्व है, उसके बाद एकदम। अच्छा दीदी, धन भी एनर्जी है, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। दीदी कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो और रेकी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि आप स्पीकिंग ट्री के दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो प्लीज। देखो, रेकी से, रेकी का इस्तेमाल हम हर तरह से कर सकते हैं, हर अस्वस्थता यानी हर बीमारी में कर सकते हैं इसका, है ना, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है उसके साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, हीलिंग जल्दी होगी। कई बार लोगों को लगता है कि रेकी हीलिंग चालू करेंगे तो जो मेडिसिन है उसको छोड़ना होगा, मेडिसिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको रेकी हीलिंग के साथ, यदि आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है फिर आप छोड़ देते हैं, आपको डॉक्टर से पूछ के छोड़ना है। पर फर्स्ट थिंग, इसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आफ्टर इफेक्ट नहीं, खाली लाभ है, ओनली प्रॉफिट है इस ऊर्जा का, ये पॉजिटिव एनर्जी, जैसे शक्कर है ओनली मिठास है, आप कितना भी करें कि उसमें से नमक का नमकीन हो जाए वो होगी क्या, नहीं होगा ना, ये प्योर एनर्जी है, आपने गलत तरीके से प्रयोग कर लिया, मतलब आपको सिंबल सही जचाने नहीं आए, है ना, समझो सही सेट करने नहीं आए, सिखाते हैं फिर भी आपने आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस एनर्जी को, एनर्जी है, आप हर तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपसी संबंधों को सही करने के लिए, अच्छी आदतों के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए करना निरंतर होगा जी। दीदी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं कहती हूं कि रेकी चमत्कारी प्रोसेस है, तो आप क्या कहेंगे? ये सर, ऑफ कोर्स ये चमत्कार है, प्रार्थना है ये, जिससे चमत्कार जीवन में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जुड़ने के लिए, वाकई रेकी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे और जो लोग रेकी की वैल्यू बहुत घटाकर देखते हैं उनको समझ नहीं आता है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद डेफिनेटली उनकी राय बदलने वाली है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, नमस्कार।